हाँ, मन खराब कर रहा है बोल क्या? रहा है मन खराब कर रहा है? जाने का मन नहीं कर रहा है? नहीं। ठीक है, अगले नेक्स्ट मंथ तो आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का गुड मॉर्निंग थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि अभी दोपहर के 2 बज चुका है। आज इसीलिए लेट हो रहा है कि आज 17 सितंबर मौसमी का फ्लाइट है शाम को। मतलब अभी 2 घंटे में, 3 घंटे में उनका 5:40 को फ्लाइट है। तो इसी कारण सुबह से थोड़ा अपसेट थे हम लोग क्योंकि इनको जाने का मन नहीं कर रहा था, अच्छा लेकिन नहीं लग रहा है। जाना पड़ेगा क्योंकि कल से इनको ऑफिस भी ज्वाइन करना है। तो इसीलिए ब्लॉक लेट स्टार्ट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं तो अभी फटाफट से जाना पड़ेगा कोयम्बटूर। इधर से लगभग 2 घंटा लगेगा मेरे को लग दो रहा घंटे है। लगेगा। तो देखते हैं, आज तो संडे, ट्रैफिक भी कम होगा। तो चलिए दोस्तों, बने चलिए, तो रहिए। अच्छा बाइक चलाता है तो मैं तो और कॉन्फिडेंट बाइक तो हूँ। चलाता हूँ, ठीक है। और बाकी पहुँचाते हैं इनको कोयम्बटूर एयरपोर्ट। तो देखिए, अभी बहुत अपसेट है। जब आती है तब तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन जब जाने का टाइम हो जाता है तभी मन एकदम उदास हो जाता है। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप लोगों में बहुत सारे लोग यही एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब भी आपका कोई नियरेस्ट पर्सन, मतलब उनको जाना पड़ेगा आपको छोड़ के, तो मन तो खराब करेगा ही ना। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और फटाक से जाना भी पड़ेगा। क्या बोलते हो? हाँ, मन खराब कर रहा है बाल क्या? बोल रहा है मन खराब कर रहा है? जाने का मन नहीं कर रहा है? ठीक नहीं। है, अगले नेक्स्ट मंथ तो आ रहा हूँ ना। नेक्स्ट मंथ ना हाँ, पूजा के पूजा टाइम पूजा के पे। टाइम पे आ रहा हूँ ना। तो दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट कर दिए हैं और बाबा जी को प्रणाम। अच्छे से जाए, अच्छे से आए, बस यही कृपा करते हैं। और आप लोग अच्छे रहिए। अभी बाइक में पेट्रोल भराने के लिए रुके थे। तो केरल में तो पेट्रोल का रेट 108 पॉइंट समथिंग है, तो आप लोगों के उधर कितना है वो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताइए। दोस्तों देखिए, अभी तो हम चल पड़े एयरपोर्ट के ओर। और ये जो है, ये कोची सलेम हाईवे है। तो इधर से स्ट्रेट आप अगर आप जाना चाहते हैं तो बैंगलोर, चेन्नई, पौंडीचेरी, ये रोड से कुछ दिन पहले ही मैं पौंडीचेरी घूम के आया था। तो रोड तो इतना बढ़िया है, क्या बोलूँ आपको। और वैसे भी दोपहर को खाने के बाद, लंच के बाद मुझे तो नींद आ रहा था, और ऐसा मक्खन जैसा रोड, इसमें चलाने के समय तो नींद आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग एंजॉय करते रहिए और ब्लॉग को देखते रहिए। अभी 3:30 बज रहा है और हम लोग कोयम्बटूर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट लगा पहुंचने में। मैं सोचा था कि टाइम लग जाएगा, लेकिन चलिए 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच गए इधर। और अभी फ्लाइट 5:40 का है। तो ये देखिए, मैं आपको एयरपोर्ट दिखाऊंगा अभी। और मेरे पीछे है हम लोगों का भारत का फ्लैग। तो ऑलवेज हमारा झंडा ऊंचा रहना चाहिए, भारत सबसे आगे। अभी जाने का टाइम हो गया, एयरपोर्ट पहुंच गए। आज क्या बाइक चलाया, ओह बाप रे, 1 घंटा 20 मिनट में एकदम चले आए हम। जो 2 घंटा लगता है तो 1 घंटा 20 मिनट में चले आए। अंदर का रास्ते से आए हैं तो रास्ता ठीक था, जल्दी चले आए। और अभी क्या करोगे? चाय पीने का मन कर रहा है, बहुत नींद आ रहा है। हाँ, बहुत नींद आ रहा है, बहुत नींद आ रहा है। मेरे को तो नींद आ गया था। एक तो बहुत माइंड अपसेट, बोरिंग हो ऊपर रहा से, था। हाँ ऊपर से लंच करके, मतलब चावल जाएंगे, राइस अभी राइस खा के फिर मैं गाड़ी एयरपोर्ट चला की के, तरफ जाएंगे और थोड़ा चाय पीना है, नहीं तो एकदम पूरा हैंग है, पूरा दिमाग हैंग हो रहा है। तो चलिए अभी चाय पीते हैं और आपको थोड़ा एयरपोर्ट का हल्का सा नज़ारा दे देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है कोयम्बटूर एयरपोर्ट का
बाहर का नज़ारा, सामने ये सब पार्किंग है, और इधर से अगर कोई पार्किंग मतलब मंथली पार्किंग भी है तो उसका शायद मंथली 500, टू व्हीलर का 500 है, फोर व्हीलर का मेरे को पता नहीं है, तो ऐसा कुछ चार्जेस है। तो इधर से आप गाड़ी रख के भी जा सकते हैं, कहीं भी जाना होगा तो वो व्यवस्था भी है। और ये देखिए, ये मैडम जा रही है अभी, एयरपोर्ट छोटा है लेकिन ठीक ठाक है। पहले भी मैं किया हूँ इसका वीडियो, कोयम्बटूर एयरपोर्ट का वीडियो पहले भी मेरा ब्लॉग में है, क्योंकि ये हमारा नियरेस्ट एयरपोर्ट है। एक्चुअली कोची पालाकड़ से 150 किलोमीटर लगभग है, और ये जो है कितना है, ये 60 किलोमीटर एयरपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा चाय पीते हैं। कितना है टी का प्राइस इधर? हाँ, टी कितना है? टी हाउ मच मैडम? 80 रुपीज। एयरपोर्ट है, थोड़ा कॉस्टली तो होगा, तो 80 रुपीज़ का टी कितना है दिखाओ एक बार, ये देखिए। ठीक है चलिए, ये तो बनता है, मतलब ये एरिया तो कॉस्टली है, सबको पता है। बाकी ये देखिए, ये अराइवल सेक्शन है। छोटा है, और सबसे बड़ी बात क्या है मेरे लिए, इधर मैगी हॉटस्पॉट का एक पॉइंट है, तो मैं इधर से बहुत बार मैगी खाया हूँ। ठीक ठाक बनता है मैगी, इधर मिलना ही बड़ी बात है। हालांकि कोयम्बटूर एक बड़ा सिटी है इसलिए इधर मिल जाता है, पालाकड़ में तो मिलता भी नहीं है। और बताओ चाय कैसा है? चाय बड़ा है, तो अभी चाय के साथ चीयर्स। चाय ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरा भी दिमाग थोड़ा पकड़ा हुआ था, तो अभी चाय पी के थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ, बहुत नींद आ रहा था भाई, बहुत नींद आ रहा था। आपको भी ना? बहुत बहुत। अरे बाइक में आते आते लग रहा था कि अभी सो जाएंगे। अभी इनका लंबा फ्लाइट है, कितने बजे? 5:40 को है। और कलकत्ता में कितने बजे? आया बैंगलोर है, कलकत्ता पहुँचेगा 10:50 रात को। तो चलिए दोस्तों, अभी इनका चेकिंग भी करना है, तो कितना बजे है? अभी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, आप लोगों को भी दोनों की तरफ से, मतलब जो अलग हो जा रहे हैं अभी एक महीने के लिए, अगले महीना वो आ रहा है, और तब तक हम दोनों अलग, मैं दूसरा स्टेट में और ये केरला में, मैं वेस्ट बंगाल में, तो दोनों अलग जगह में रहेंगे। और अभी के लिए मुझे फ्लाइट पकड़ना है, तो मुझे जाना पड़ेगा, इस वक्त छुट के जाना पड़ेगा। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, मन बहुत उदास हो गया है, ख़राब हो गया है, क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा, काम करती हूँ तो जाना तो पड़ेगा ही ना। तो एयरपोर्ट में चेकिंग हो रहा है, टिकट और आधार कार्ड मतलब आइडेंटिटी प्रूफ। तो चलिए, हैव ए नाइस फ्लाइट, बाबा जी कृपा करें, अच्छे से जाए आप। गाइज, ऑलरेडी सुमी का चेक इन हो गया था, तो उसके बाद वो सोचे कि थोड़ा वीडियो बना जाए, तो इसीलिए वो एक छोटा वीडियो बनाया था, छोटा टूट दिया था एयरपोर्ट का। ये एयरपोर्ट में मैं बहुत बार गया जा चुका हूँ, तो ये छोटा है लेकिन क्राउडेड रहता है ऑलवेज। तो हाय, तो अभी जस्ट 7:45 बज रहा है, तो अभी मौसम भी, बैंगलोर से उसका फ्लाइट अभी बोर्डिंग हो गया है, तो मैं भी घर पहुँच गया। आज मैं थोड़ा डाउन हूँ, क्योंकि एक तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, और ऊपर से आज से मैं अकेला, तो अभी इधर तो लाइट भी कम है। चलिए अभी घर पहुँचेंगे, और दो तीन काम भी है, अभी वॉशिंग मशीन चलाना है, उसके बाद खाना तो बना हुआ है लेकिन गर्म करना पड़ेगा, तो ये सब काम करके आज का ब्लॉग भी एंड करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा।
बहुत सारा काम है, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाएंगे। चलिए अभी घर घुसते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अभी रात के 10:30 बज चुका है, 10:30। तो मैं आके थोड़ा फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट कर रहा था, और बाकी वो कपड़ा भी धो लिए और खाना भी गर्म कर लिए। तो अभी खा के फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग करके फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल ऑफिस है तो जल्दी उठना पड़ेगा। और मौसमी भी अभी उनका फ्लाइट थोड़ा डिले था, तो वो लगभग 11:30 बजे तक पहुंच जाएगी कलकत्ता, तो अभी फ्लाइट में है। तो दोस्तों, आज का दिन तो मेरा मूड तो अपसेट था, सुबह से मेरे को व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन चलिए कुछ है नहीं, इस पार्ट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, जो चीज़ बोलना था कि आप लोगों का सपोर्ट के बिना तो हम लोग कुछ नहीं है, तो आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए। और आपको याद है ना, आपका एक सब्सक्राइब मतलब एनर्जी, एक लाइक मतलब डबल एनर्जी, और एक सब्सक्राइब मतलब इनफाइनाइट एनर्जी। तो चलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हम लोगों का जो परिवार है इसको थोड़ा ग्रो करने में हेल्प कीजिए। जितना हम ग्रो करेंगे उतना अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोग एंजॉय करेंगे, और हमको भी एनर्जी मिलेगा। तो दोस्तों, होप करते हैं कि आपका दिन भी आज अच्छा गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक और एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग ये ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये ज़रूर याद रखिएगा, ये कंपलसरी है, ये ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।